गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम बैक विथ माई नेक्स्ट व्लॉग। सो गाइज़ कुछ दिन में ही दिवाली होने वाली है, सो मैं और मेरे भैया मिलके लाइटिंग्स लगा रहे हैं घर पे। सो दिस ईयर आई एम गोइंग टू माई विलेज फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली। सो गाइज़ बने रहिए, मैं भी 8-9 साल बाद काली पूजा सेलिब्रेट करने वाली हूँ वहाँ पे गाँव में, जहाँ पे बहुत जोरों शोरों से मनाया जाता है। सो आई विल बी शेयरिंग विथ यू एवरीथिंग। सो गाइज बने रहिए, आई होप दैट यू विल डेफिनेटली इन्जॉय द मूवमेंट्स। सो गाइज एंड तक बने रहना और देखते रहना ये ब्लॉग। गाइस धुकुरी पहुंचने के पहले जो टोल प्लाजा है वहाँ पे हमारी बाइक ख़राब हो गई, सो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी गाड़ी, तो एक भैया को बुलाया गया। सो ही वॉज चेकिंग ऑल दिस। सो वो चेक करते करते शाम भी हो चुकी थी एंड देन वी फाइनली एंटर्ड धुकुरी, जहाँ पे हम लोग को बहुत सारे पंडाल दिखे, लाइटिंग्स वगैरह। सो अच्छा लगा थोड़ा देख के। वी विल बी कमिंग हेयर, आई विल बी शोइंग यू आफ्टर सम डेज। सो काली पूजा ख़त्म होने के बाद ही मेरा जो मामा घर है वो यहाँ पे ही है, बट जो दादी का घर है वो थोड़ा बहुत अंदर तरफ है। सो वी विल बी गोइंग देयर और आई विल बी अपडेटिंग यू कि क्या हो रही है नहीं हो रही है। तो गाइस बने रहिए। यहाँ पे है दादी। हेलो बोलो ना। हाय। और एक नहीं हाय बोलो ना। हाय बोलो। आगे ब्लॉग तो मानुष रे देख से तुम अगर ठीक है से पूछो ठाकुमा सो आज सत्संग है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पीछे प्रिपरेशन चल रही है। आज भी लास्ट टाइम आप लोग ने मेरा ब्लॉग में देखा था, तो भाई आज सत्संग है और कल फिर काली पूजा है, तो भाई बने रहिए। पहुंच गई हूँ, बाहर लोग भी आए हुए हैं। हाय 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 लोग। हाँ कहाँ पे रहते हो तुम, कुदा था वो कुदा था वो ओके धुनीरामपुर। ओके इधर भाई भी मिल गए, देख सकते हो राजीव भाई, इनको तो आप पहचानते ही होंगे। हेलो, कुछ बोलना चाहोगे? नहीं, ओके ये कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। तो यही पहुंच गई हूँ, फीलिंग गुड नाउ। ना दीदा तुम्हें हाय बोला दो, हाय बोला दो ना। हाय क्या ना देखो है तुम्हें बोला दो हाय। देख सकते हो यहाँ पे इतना सारा बॉम्ब,
ये, और ये अपने रूम में छुपा के रखे थे इसको, देख सकते हो। और यहाँ पे भी है क्या? नहीं, इधर में था, थोड़ा नीचे है। और यहाँ पे सारा क्या बोलते इसको, तारा बत्ती। बाप रे बाप, बहुत साल बाद आ रही हूँ। बट पहले और भी ज्यादा होता था, ये तो बहुत कम है, बहुत ही कम है। सो गाइज, अभी हम लोग पटाखे फोड़ने वाले हैं। एक तो फोड़ लिया है, बट आई कुडंट कैप्चर इट, सो आई टोल्ड राजीव भाई टू ब्रिंग वन मोर एंड आई विल बी शोइंग यू। चलो उन लोग आने वाले हैं, चलो देखते हैं, देखते हो पीछे उन लोग आ रहे हैं, तो चलो आप लोगों को दिखाती हूँ। आज शुरू हो रहा है, कल देखने को मिलेगा आपको धमाका, बोम का धमाका। चलो ये तो इन लोग पहुंच गए, चलो और एक बार हो जाए। दिखाओ कौन सा बोम है। ओके, सेलिस्टो। देखो कितना क्लियर स्काई, आपको नहीं दिख रहा होगा, बट दिस प्लेस इज सो गुड, यू नो। सुबह को आप लोगों को दिखाऊंगी इफ आई विल गेट। ओके ओके, वहां पे दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। गाइज आपको क्या ही बताऊँ, बच्चे लोग इतने शरारती होते हैं ना। इसने, ये बच्ची ने मेरे को रात भर डिस्टर्ब किया, सोने ही नहीं दिया। देखो खुद कितना आराम से सो रही है। हाँ, इसका लेती हूँ मैं मॉर्निंग में क्लास। रुको रुको गाइज, इट्स स्लीपिंग टाइम नाउ। हम लोग ने खाना वगैरह खा लिया और सब लोग चले भी गए, और आप लोग ने देखा कि हम लोग ने पटाखे भी फोड़े। तो वही कल की अलगाड़ी है, कल हम सुबह को निकलने वाले हैं, 3-4 बजे से निकलने वाले हैं। तो देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ इस ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मैं उठ गई थी 5 बजे करीब, और मैं गई नहीं आज, मेरे भैया और राजीव भाई वो लोग गए हुए हैं उठाने के लिए, तो लोग लाएंगे तो मैं वो आप लोग को दिखाऊंगी। एंड जस्ट लुक द व्यू, बढ़िया है ना व्यू। सो गाइस, ये जो घर है जिसमें अभी हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे, और पहले हम लोग यहाँ पे रहते थे, एंड ऑल आवर चाइल्डहुड मेमोरीज इज स्टोर्ड ओवर हियर, दिस प्लेस। इवन आई कांट इवन फॉरगेट दोज डेज, लाइक इट्स सच अ मेमोरेबल डेज ऑफ आवर चाइल्डहुड। दिस वॉज द किचन, एंड यहाँ पे सब रहते थे, ऑल डिफरेंट रूम्स देख सकते हो, यहाँ तक पूरा पीछे तक है। सो यहाँ पे, और यहाँ पे लीची, ये लीची का गाछ है, लीची, आम, कटहल, सब कुछ। यहाँ पे मंदिर, तो यहाँ पे सारा होता था हम लोग का काली पूजा। एंड उस टाइम तो छोटे थे, तो ये सारी चीज़ें, मतलब ये प्लेसेस भी बहुत बड़ी बड़ी लगती थी, प्लेसेस जितनी भी, अब तो छोटी छोटी लगती है चीज़ें वगैरह। और ये है मंदिर। और गाइज, ये जो यहाँ पे जो ना पंडाल बहुत बड़ा करके होता था पंडाल, अभी देखो यहाँ छोटा हो गया, बट बहुत बड़ा करके होता था। कल का भी जो प्रोग्राम था ना, वो भी बहुत अच्छे से होता था। फाइनली दे हैव कम बैक, हम देख सकते हो फूल। वाह, 108 फूल हो गया है। गाइस, मैंने नहा लिया है, एंड दिस टाइम मैं उपवास करने वाली हूँ, बट दे डोंट थिंक दैट आई कैन, एंड इवन नॉट माई फैमिली और, सो इस बार उपवास रखने वाली हूँ। लेट्स सी कितना तक रख पाती हूँ, क्योंकि 12 बजे तक ऐसे करीब रखना है आई थिंक सो। सो और सब लोग घर पे काम कर रहे हैं, तो लेट्स सी हाउ आई कैन हेल्प। एंड यहाँ पे है घर, और देख सकते हो पूरा धान खेती हुआ है हर तरफ।
सो इतना देर बाद मेरे को दुब्बा उठाने का एक काम मिला, तो ये मैंने कर लिया और अभी रख देती हूँ यहाँ पे। और यहाँ देखिए हमारी काली माँ जिनको हम विदाई देने वाले हैं आज, फिर आई है हमारे घर में। पहले ना मुझे बहुत डर लगता था, मम्मी जब पूजा देने आती थी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डर लगता था, एंड थोड़ा स्केर मतलब ना डरने टाइप का बनता था। अभी अच्छा है, शी स्माइलिंग, लाइक शी हैव अ स्माइलिंग फेस, बट पहले बहुत डरावना लगता था मेरे को, ऑब्वियसली अभी भी लगता है, अकेले नहीं रह पाती हूँ। तो मैं चलती हूँ, बाय गाइस। सो गाइज, दिस बॉम फेल्ड वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ यूनिक वन। हाथ लग में तो आज के जो ठाकुर जाच्छे हमरा भाषा ते जाच्छे, तो तुम्हें की बोलते चाओ, बोलो की बोलते चाओ। किसना तुम्हें हमें बोलते चाहिए कि এই শুভ দিনে আমরা একটু আনন্দ করি। আনন্দ আর আর আমরা ঠাকুরকে কি গোবা, ঠাকুরকে এটাই বলি কি আমরা সবাই ভালো থাকি আর সবাইকে ভালো রাখো। দেখো আলো এ আলো আকাশ, দেখো আকাশ তারায় ভরা, দেখো যাওয়ার পথের পাশে ছোটে হাওয়া পাগল পারা, এত আনন্দ আয়োজন সবই বৃথা আমায় ছাড়া। ভরে থাকুক আমার মুঠো, দুই চোখে থাকুক ধারা, এলো সময় রাজার মতো, হলো কাজের হিসেব সারা। Thank you.
नदी में नहीं गए, नहीं नहाया ज्यादा लोग, बट हम जब छोटे थे ना, जब हम लोग छोटे थे तब हम लोग सब लोग जाके नहाते थे ऑल एवरीवन एंड डांस करके आते थे, बट दिस टाइम इट वाज नॉट डिसअपॉइंटिंग, इट वाज गुड ओनली, बट थोड़ा कम था मस्ती, ज्यादा लोग नहीं नहाया। गाइज आई होप यू ऑल आर इंजॉइंग माई वीडियो, अगर अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा, अभी भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखानी है आप लोग को, दैट आई विल बी शोइंग यू इन पार्ट टू, तो गाइज बने रहिए मेरे साथ और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए आप लोग, थैंक यू गाइज, लव यू ऑल।